आइए आपको लेक आर्टिस्ट द्रौपदी मीना जी से मिलवाते हैं, जो राजस्थान से हैं और यहाँ दिल्ली में आदि महोत्सव में आए हैं। देखिए सभी कलाकारों के साथ ये भी अपनी हुनर लेके आए हैं। ये इनकी हुनरमंदी देखिए कितनी खूबसूरत है। ये लेक आर्टिस्ट है, लाख से ही देखिए कितनी खूबसूरत कलाकृतियाँ बना रखी है इन्होंने। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाते हैं, देखिए हर तरह की आर्ट है इनके पास। ये फोटो को भी इस तरीके से बनाते हैं, ट्राइबल आर्ट पर भी बनाते हैं, जैसी आप पसंद करें उस तरीके से बना देते हैं। देखिए बड़ी ये ट्राइबल आर्ट, देखिए वाली पेंटिंग वाला बहुत खूबसूरत है। तो आप लोग भी मिलिए द्रौपदी जी से और जानिए इनकी हुनर के बारे में। हाँ द्रौपदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली में। आदि महोत्सव में हमारी मुलाकात हुई, बहुत यादगार रहेगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आप यहाँ आए मेरे स्टॉल में, मेरे स्टॉल का मान बढ़ाया आपने। और हम इस बहाने से, मैं दिल्ली आने से आपको पता चला और आप आए, इसलिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये हम आपके आभारी है कि आप ना पूरे समाज का नाम लेके अपनी आर्ट के साथ यहाँ दिल्ली में आए हैं। एक तरह से मीना समाज के आप भी आइकन हैं और अपनी आर्ट के माध्यम से आपने अपनी अलग पहचान बनाई है, क्योंकि अपने मीना समाज में इस तरीके की आर्ट अभी तक तो शायद मैंने तो नहीं देखी आपके अलावा। है कोई जो भी यहाँ पर आते हैं तो सब यही बोलते हैं, लाख की चूड़िया तो देखिए, लेकिन लाख की पेंटिंग हमने पहली बार देखी। बिल्कुल बिल्कुल, मोटिवेट करते हैं कि आप इसको आगे बढ़ाएं और अच्छा से करें आगे चल के। जी जी जी, बहुत दिल्ली जो भी आ रहे हैं वो बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत मान सम्मान दिया हमें यहाँ आने का। जी जी, सबका बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ स्टॉल लगाई और अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर आए हैं, तो अलग अलग कल्चर, अलग अलग आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग और सबकी अलग अलग हुनर हमें एक ही जगह देखने को मिल रहे हैं, और जो लेना चाहे वो सबको मिल रहा है एक ही जगह से। देखिए ये भारत की खूबसूरती है कि विविध संस्कृतियों के साथ आपको सारी चीज़ें एक ही जगह आदि महोत्सव में मिल जाएगी। देश भर के आदिवासी समाज यहाँ पर आपके लिए अपनी हुनर के नायाब तोहफे लेके आया है, तो आप सबको यहाँ विजिट करना चाहिए और सब जगह से जो आपको पसंद आए वो लेना चाहिए। ये देखिए कितनी सुंदर खूबसूरत कलाकृतियाँ हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी द्रौपदी जी, आपको इसमें रुचि कैसे आई? मैम एक तो मुझे बचपन से ही पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, कुछ वेस्ट चीज़ों से कुछ नया बनाना, ये तो मेरे बचपन से हॉबी रही है। अच्छा। जैसे मैं बचपन में खेलती भी थी तो जी कुछ बनाती थी, जैसे शादी के कार्ड आते हैं उनके चक्के आते थे, वो भी उनको लेके और ग्रीटिंग कार्ड बनाया करती थी। अच्छा। बचपन से मेरे में हॉबी है। ओके। तो मैंने बाद में मेरे लाख की पेंटिंग का जो वेस्ट चूड़िया होती है, अच्छा बना के फ्रेम करवाया। अच्छा अच्छा, ये कॉपी राइट आर्टिस्ट। अच्छा ये कॉपी राइट है, अच्छा। जी जी जी, हाँ द्रौपदी लेक आर्टिस्ट करके मेरा इंस्टाग्राम पर पेज भी है जी, और मैं यूट्यूब चैनल भी अभी बनाऊंगी जल्दी। नहीं जरूरी है, बहुत जरूरी है इन चीज़ों को लाना, मीडिया के माध्यम से सब लोग रूबरू हो पाते हैं, क्योंकि सब तो सब जगह पहुंच नहीं पाते लेकिन मीडिया से पहुंच जाते हैं। तो दिल्ली आने का भी पहले अभी जनवरी में शिमला लगाई थी जी जी, दिल्ली। अच्छा कैसा लग रहा है यहाँ पे, कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लगा, दिल्ली के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, मान सम्मान किया और हमें मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, इस कला को आप आगे बढ़ाए, हर आर्टिस्ट को मोटिवेट कर रहे हैं और काफी इंतजार है यहाँ पे। जी जी, भी अच्छा लग रहा है देख के, अच्छा लगा। बिल्कुल, ये आपकी हुनरमंदी जो लेके आई है आपको, इसके लिए आपको सलाम। ये देखिए द्रौपदी जी ने अपनी फोटो को भी लेक से बहुत सजाया है इसको, ये इनकी अपनी फोटो है जिसको लाख से सजा कर कितनी खूबसूरत बना दिया है।